So, hi guys, welcome back to my our channel, Best Friends for Life. So, today, it's only me, it's only Ahan, but my other friends aren't there except Vihan in this video. He'll come in the end. So, today guys, main Shin-chan ko review karne wala hun. So, Shin-chan, for the people who don't know Shin-chan, Shin-chan is a Japanese TV kid serial. It's based on a kid named Shin-chan who's 5 years old and lives in a city called Kasukabe. In his family, he has his father, Hiroshi, mother, Mitsui, his sister, Himawari, sorry guys, and his dog, Shiro. So now, guys, let's get going to the video. आज हम बनाएंगे पास्ता। आपका पार्सल। बहुत बहुत शुक्रिया। ओए, आज तुम मुझे नहीं बच सकते ब्लैक पांडा। क्या तुम मेरा फाइटिंग स्टाइल देखना चाहते हो? His fighting style, उसका fighting style जो है, it's totally amazing. Amazing. It's amazing in the sense it's pretty funny. That's what I'm trying to tell. Himawari, देखो मेरे पास बहुत अच्छी चीज है। अरे अरे क्या है मॉम? ओ ये तो बहुत ही पुराना दिख रहा है इसके अंदर। Though it's a new thing, Shin-chan, वो तो सोचता है कि ये पुराना है। Wow. फिर क्या है मॉम? मुझे डर है आपने फिर से कोई बेकार की चीज खरीद ली है मॉम। तुमसे किसने कहा कि ये बेकार की चीज है शिनचान? पापरा पास्ता मशीन। सस्ता मशीन। पास्ता मशीन वो क्या होती है? हम इस मशीन की मदद से घर में ही नूडल्स बना सकते हैं। मोमोज नहीं बना सकते? नहीं सिर्फ पास्ता बना सकते हैं समझे? खस्ता कचौड़ी। कचौड़ी नहीं पास्ता। अब देखना शिन-चान और उसके पापा मिथी से पंगा लेंगे, मतलब उसकी मॉम से पंगा लेंगे और अब देखना क्या होएगा। पास्ता। अरे तुम दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या हो गया है? ये क्या है? ये पास्ता मशीन है हैरी। लेकिन इसे क्यों खरीद लिया मिथी? अपने पैसे क्यों बर्बाद करती हो? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डैड। मॉम की तो आदत है बेकार की चीजें खरीदने की, इन्हें कौन समझाए। तुमसे कितनी बार कहा है मिथी इस तरह फालतू चीजें खरीद कर पैसे बर्बाद मत किया करो। डैड समझाने का कोई फायदा नहीं। ऐसी बेकार चीजें खरीदने से तो कहीं बेहतर होगा तुम मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दो, वो पैसे कुछ काम तो आएंगे मिथी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो और फिर उन एक्स्ट्रा पैसों से आप मेरे लिए खिलौने खरीद लेना डैड। अब देखना नाउ दे बोथ आर गोना गेट बस्टेड, मार पड़ने वाली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की? तुमने क्या कहा मैं फिजूल खर्च करती हूँ? ये पास्ता मशीन एक इटालियन शेफ ने बनाई है। जब उसने इस मशीन के बारे में लोगों को बताया तो उस समय लोगों ने कहा, क्या आप झूठ बोल रहे हैं, विश्वास नहीं हो रहा। सब लोग इसी तरह से बिहेव कर रहे थे। इस मशीन की मदद से हम घर में ही नूडल्स बना सकते हैं। अच्छा है ना? इसके अलावा मुझे फ्रांस की 7 पास्ता प्लेट्स भी मिली है और एक बहुत ही अच्छा कटिंग नाइफ भी। इसके अलावा पैन टी केटल भी मिला है। वैसे डील तो बड़ी अच्छी है। डील इज प्रिटी प्रिटी गुड बिकॉज़ यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विद द पास्ता मशीन, सो गुड डील राइट? मैं हमेशा सेविंग में विश्वास करती हूँ, इसीलिए मैंने ये मशीन खरीदी। क्यों समझ गए ना? हाँ समझ गए। सॉरी आई विल कट दिस पार्ट। अब हम पास्ता बनाएंगे। अब ये स्टेप्स हैं पास्ता के सच के, तो देख सकते हो अगर आपको पास्ता बनाना है घर से, घर में पास्ता मशीन के साथ, तो दीज आर द स्टेप्स फॉर मेकिंग पास्ता। लेट्स गेट गोइंग। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले आटे के बीच में एक गड्ढा करना चाहिए इस तरह, और फिर इस आटे के अंदर एक अंडा डालो, उसके बाद आटे को ठीक से गूंद लो। ओहो, अब समझ आ रहा है कि पास्ता कैसे बनता है। अच्छा है ना? अब कम से कम तुम समझोगे कि मम्मा कितनी मेहनत करती हैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाने के लिए, है ना शिन-चान? वैसे मुझे लगता है कि आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है मम, सुपरमार्केट में इतना सारा पास्ता मिलता तो है ही।
And Shin-chan, he has totally no manners. No manners at all. देखो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, but not really good. क्या कहा तुमने? तुम्हें मेरे हाथ का बना खाना पसंद नहीं है क्यों? मैं बहुत थक गई हूँ. घर में इतनी सारी चीजें बनाना बहुत मुश्किल है. हैरी ये काम आप कर देंगे प्लीज? तब तक मैं सब्जियाँ काट देती हूँ. ठीक है? ठीक है मिट्सी. ओके मम. ये सचमुच बहुत मुश्किल काम है. मम जरा इधर भी तो देखिए. आइसक्रीम. ये तो अच्छा है. और ये है कुकीज. जो कुकी है वो तो कुकी के शेप में भी नहीं है. वाह वाह भाई. जरा एक मिनट रुको शिनचान. इसकी शेप देखकर मुझे नहीं लगता कि ये कुकी है. ओहो, अच्छा और ये वाली? चलो तुम्हें ये शेप पसंद है तो यही सही. आज हम इसी शेप की कुकीज खाएंगे. ये कितना पंगा लेता है. ये हमेशा पंगा लेता रहता है अपनी मोम से. ऑलवेज ही डज समथिंग और द अदर. वाओ. अब इतना भी कुछ खास नहीं मम. तुम यहाँ मेरी हेल्प करने आए थे या शरारत करने? And Himawari, his sister, has taken a very costly gold, I mean diamond necklace. Let's see what's gonna happen with that. The hangama. क्या hangama होएगा? अब देखते हैं. अरे क्या हो गया शिनचान तुम्हें? मुझे टॉयलेट जाना है. टॉयलेट से आने के बाद अच्छे से हाथ धोकर आना समझे? ओके मम. अरे मम ने हाथ धोने को कहा था वो तो मैं भूल गया. मैं आ गया. तुमने हाथ अच्छी तरह धोए है ना? हाँ मम अच्छे से. बहुत अच्छी बात है. अब पास्ता बनाने में मेरी हेल्प करो. आटा बिल्कुल तैयार है. अब हम नूडल्स बनाना शुरू कर सकते हैं. अरे पास्ता मशीन कहाँ चली गई? अभी अभी तो यहीं पर थी. शिनचान भी ना क्ले डाल के देख रहा है पास्ता मशीन में और फिर वो क्ले के साथ हो जाएगी और जो भी अपना वीट डाल रहे हो वो भी क्ले हो जाएगी उसमें. How unhygienic. Even if you clean it, थोड़ा बहुत तो रह जाता है ना. बच्चा है कोई बात नहीं. ये क्या हो रहा है शिनचान? मैं पास्ता मशीन में क्ले डाल के देख रहा हूँ पास्ता मशीन काम कर भी रही है या नहीं. तुमसे ये सब करने के लिए किसी ने कहा था क्या? तुमने इस मशीन में क्ले क्यों डाला बताओ मुझे. शांत रहो ना प्लीज. मामा को बहुत काम है. बहुत जल्द हम लोग पास्ता बनाएंगे. And now the very costly diamond necklace of Mitzi's is in the pasta. I don't know what's gonna happen now. That's really bad. वो वेस्ट चल रहा है वो इतना कॉस्टली होएगा डायमंड नेकलेस. सो आई मीन सैड टोटली सैड. हैरी क्या आप पास्ता बना देंगे इस मशीन से प्लीज? हाँ हाँ. हाँ आ रहा है वेरी गुड. बहुत अच्छे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं हैरी. आज हम लोग लंच में इटालियन खाना खाएंगे मजा आएगा. मुझे तो बर्गर खाना है मॉम. पर अभी हम पास्ता बना रहे हैं शिनचान. अरे ये रुक गई. एंड नाउ द डायमंड नेकलेस है वो फंस गया. वाह वो टूट ही जाएगा. पूरा प्रेशर लगाओगे विल ब्रेक. ये नहीं चल रही है. बड़ी अजीब सी बात है मिट्सी. देखो जरा लगता है मशीन खराब हो गई है. ये खराब कैसे हो सकती है? मैं कोशिश करके देखती हूँ. हटिए. Ah!
ये तो चलने लगी। Now the diamond necklace has broken. So sad. वाह मॉम, आपने तो पास्ता में सोने के टुकड़े भी डाल दिए। क्या कह रहे हो, मैंने सोने के टुकड़े डाल दिए? ये तो मेरे नेकलेस का पीस है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? सुपरमार्केट से ही लाना पड़ा पास्ता। पास्ता मशीन वेस्ट गई ना, डायमंड चला गया उसमें, वेस्ट हो गई। ऐसा हमेशा हमारे साथ ही क्यों होता है? गलती आप दोनों की ही होती है। ओके गाइस, आई रियली लाइक दिस वीडियो क्योंकि शिनचान तो यूजुअली बहुत हंसी मजाक का सीरियल होता है। शिनचान और उसके पापा को मार पड़ती जाती है उसकी उसकी मॉम से, तो इट्स बहुत फनी है यार। तो इसलिए आई रियली लाइक दैट सीरियल एंड स्पेशली दिस वीडियो व्हेन शिनचान गेट्स बस्टेड सो मेनी टाइम्स बाय हिज मॉम। आई रेट इट 4 out of 5। द रीजन इज usually Shinchan and all his father do the hangama, but this time his sister did it and I really didn't like it because she's just a young kid, so that's why I'd give it 4 out of 5. That's why I didn't give it the 1 star which I missed. And so guys, that was my review for Shinchan. If you like our content, please share and subscribe to our channel, and also don't forget to smash that like button. Thank you for watching. Bye.